दोस्तों, मैं आपको एक आसान सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहता हूँ, जो मैंने भी किया था। बस आपको आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करना है और कितने टाइम तक आप बिना इंटरनेट के रह सकते हैं ये आपको देखना है। दोस्तों, मेरे केस में ये टाइम बस 30 मिनट का ही था। जी हाँ दोस्तों, और ये तो हमारी कंट्रोल की बात होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनेट शटडाउन के कारण देश को भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। दोस्तों, यूके के टॉप 10 वीपीएन संस्था ने एक रिसर्च में ये पाया कि 2019 में इंटरनेट शटडाउन के कारण इंडिया को लगभग $1.3 बिलियन का नुकसान हुआ है। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम करने वाले एम्प्लॉय का अगर एक मिनट के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाता है तो उनका पूरा काम रुक जाता है। चाहे आप शॉपिंग की बात कर ले या फिर बैंकिंग की बात कर ले, सब कुछ आज इंटरनेट के माध्यम से आसान हो गया है। तो अगर इतना ही महत्वपूर्ण इंटरनेट है तो ये आखिरकार काम करता कैसे है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इंतजार किस बात का, सीधी बात, नो बकवास। कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बने। डेफिनेटली बनोगे यार। साथ ही में हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है learnmopro.com, जिसके ऊपर ढेर सारे कोर्सेज के ऑफर चल रहे हैं और वहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स भी लॉन्च होने वाला है ऑफर के साथ दोस्तों। तो अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनने की सोच रहे हो तो आपको learnmopro.com वेबसाइट को जरूर विजिट करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, ढेर सारे कोर्सेज के ऑफर आप अभी चेक कर लीजिएगा। और कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स लॉन्चिंग सून, जल्दी ही लॉन्च करेंगे हम आपके लिए दोस्तों। तो दोस्तों, पहले हम ये समझते हैं कि इंटरनेट आखिर है क्या। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इंटरनेट मतलब डेटा, इतना सारा डेटा कि जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये डेटा अनगिनत डिवाइसेस में से सेंड और रिसीव होता रहता है। आप जो ये वीडियो देख रहे हो वो भी एक डेटा है जो ऑन डिमांड आपके फोन तक पहुंच रहा है। दोस्तों, आप अभी अपने मोबाइल पर जो वीडियो देख रहे हो वो तो आपके मोबाइल पर स्टोर नहीं है, ये वीडियो यूट्यूब के डेटा सेंटर पर स्टोर है जो कि आपसे हजारों किलोमीटर दूर है। फिर ये वीडियो आपके फोन तक आता कैसे है? तो अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटा सेंटर से सैटेलाइट को भेजी जाती है और फिर सैटेलाइट से हमारे मोबाइल या लैपटॉप में आती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो सैटेलाइट होते हैं ये हमारे धरती से बहुत ऊंचाई पर घूमते हैं, यानी कि लगभग 30,000 किलोमीटर ऊंचाई पर घूमते हैं। इस वजह से डेटा सेंटर से सैटेलाइट और सैटेलाइट से मोबाइल पे ये जो रास्ता होता है वो बहुत लंबा हो जाता है। इसके कारण डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए बहुत वक्त लग सकता है। अब आप कहोगे फिर ये डेटा हम तक आता कैसे है? तो दोस्तों, इंटरनेट हम तक ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए पहुंचता है। अब आपके दिमाग में दो क्वेश्चंस आए होंगे, एक तो ये कि भाई हमारे मोबाइल पे तो कोई केबल कनेक्ट ही नहीं है, और दूसरा ये कि भाई ये ऑप्टिकल फाइबर केबल होता क्या है। तो आइए ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। ऑप्टिकल फाइबर ऐसे केबल होती है जिनके अंदर छोटे छोटे ग्लास ट्यूब्स होते हैं। ग्लास ट्यूब्स हमारे बालों के जितने पतले होते हैं। इन ऑप्टिकल फाइबर में से इंटरनेट डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। ये डेटा लाइट पल्सेस के फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि लाइट की स्पीड से ट्रांसफर होता है। और हाँ दोस्तों, आपके मोबाइल को तो कोई इंटरनेट केबल कनेक्टेड नहीं होती है, लेकिन आपके मोबाइल पर जिस टावर से नेटवर्क आता है उस टावर को ये ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट होती है। और ये टावर ऑप्टिकल फाइबर से आने वाले सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है जो आपके मोबाइल तक पहुंच जाते हैं। अब आप ये तो समझ गए कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होता है। इन ऑप्टिकल फाइबर से पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि समंदर में कितनी सारी ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाई गई है और अलग अलग कंट्रीज को इससे जोड़ा गया है। दोस्तों, डेटा के मुताबिक पूरी दुनिया में अब तक 378 सबमरीन केबल्स समुद्र के नीचे बिछाई गई है जो हमारे इंटरनेट की जरूरत पूरी कर रही है। और इन सारी केबल को अगर हम एक दूसरे से जोड़ दे तो इसकी कुल लंबाई 12 लाख किलोमीटर है। यानी कि दोस्तों, ये केबल की लंबाई इतनी ज्यादा है कि इन्हें हमारी धरती पर 30 बार लपेटा जा सकता है। जैसे कि हमने देखा कि ऑप्टिकल केबल समुद्र की गहराई में बिछाई जाती है तो इनका डैमेज होने का खतरा भी होता है, जैसे कि किसी जहाज का एंकर इन वायर्स में फंस जाना या फिर किसी समुद्री जीव जैसे शार्क का इन पर अटैक करना। लेकिन अभी इतने सारे केबल्स मौजूद है, अगर किसी एक केबल में कुछ डैमेज हो भी गया तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, यानी कि बहुत सारी केबल्स बैकअप में अवेलेबल रहती है। अगर आप ऐसी वेबसाइट विजिट करोगे जिसका सर्वर इंडिया से बाहर है जैसे YouTube, Google, तो इस केस में आपका जो डेटा है वो इन सब मरीन केबल यानी ऑप्टिकल केबल से ट्रैवल करेगा। और आपने ऐसी वेबसाइट विजिट की जिसका सर्वर इंडिया के अंदर है तो आपका डेटा इन सब मरीन केबल से ट्रैवल नहीं होगा। तो दोस्तों, अब आपको पता चला कि इंटरनेट एक डेटा ही है और डेटा आखिरकार ट्रैवल करता कैसे है और पूरा वर्ल्ड इंटरनेट से कैसे जुड़ा है। लेकिन ये डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन कहाँ भेजनी है और कहाँ से रिसीव करनी है ये कैसे पता चलेगा?
क्योंकि करोड़ों लोग एक साथ इंटरनेट यूज करते हैं। इस केस में इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, कहां से आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पे आईपी एड्रेस पिक्चर में आता है। जैसे दोस्तों रियल लाइफ में हमारे घर का एड्रेस होता है जहां पे हमारे लिए चिट्ठी या पार्सल आता है, वैसे इंटरनेट की दुनिया में आईपी एड्रेस होता है। जो डेटा इधर से उधर घूम रहा है उसको सही रास्ता देने के लिए आईपी एड्रेस काम करता है। हर एक डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ा होता है जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, इनका भी एक आईपी एड्रेस होता है। और इसके साथ में हर एक वेबसाइट का भी अपना आईपी एड्रेस होता है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो उस वेबसाइट का डेटा आपके आईपी एड्रेस तक पहुंच जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वेबसाइट्स के भी आईपी एड्रेस होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट फेसबुक, यूट्यूब या फिर हमारी वेबसाइट भी ले लो learnmopro.com, इनका भी आईपी एड्रेस है जिन्हें डालकर हम उनके वेबसाइट पर जा सकते हैं। लेकिन आईपी एड्रेस याद रखना हमारे लिए आसान नहीं होता है, इसीलिए इन आईपी एड्रेस को डोमेन नेम दिया जाता है, जैसे facebook.com, youtube.com या learnmopro.com। जब भी आप learnmopro.com अपने ब्राउजर में टाइप करते हो और एंटर करते हो तब बैकएंड में DNS सर्वर learnmopro.com का आईपी एड्रेस मैच करके आपको उनके वेबसाइट पर लेके जाता है। तो इस तरह से आईपी एड्रेस की वजह से डेटा को ये समझ में आता है कि किस लोकेशन से किस लोकेशन तक आना है। वैसे इंटरनेट काम कैसे करता है इसके बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो आपको 10 घंटे भी कम पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन हमने कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट निकाले और ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आई कि जो आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, आप सभी इंटरनेट तो यूज करते ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनेट का भी वजन होता है? ये बात जानकर आप जरूर चौंक गए होंगे कि क्या बात कर रहे हो सर, इंटरनेट का भी वजन होता है? जी हाँ मेरे दोस्तों, इंटरनेट का भी वजन होता है। और मैं कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप की वजन की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं डेटा के वजन की बात कर रहा हूँ। तो अब आप सोचोगे कि यार इसको मेजर किसने किया है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि साइंटिस्ट ने इसे मेजर नहीं किया है, उन्होंने बस इसे कैलकुलेट किया है। और जितनी भी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है जैसे कि वेबसाइट, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, ईमेल, इन सभी को हम डेटा बोलते हैं। और इस डेटा का फिजिकल एनर्जी और मास दोनों भी होते हैं। जो भी डेटा स्टोर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्टोर होता है। और जैसे आपने साइंस में पढ़ाई होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का भी वजन होता है दोस्तों, जो कि बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का वजन लगभग 9.1×10⁻³¹ किलोग्राम होता है। और साइंटिस्ट के हिसाब से 50 केबी का इमेज स्टोर करने के लिए 800 करोड़ तक इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। और कुछ साइंटिस्ट के कैलकुलेशन के अनुसार अगर आप 4 GB का डेटा मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं या ऐड कर लेते हैं तो आपके मोबाइल का वजन 0.000 ऐसी 18 बार 0 के बाद 1 ग्राम से बढ़ेगा। और 2011 में साइंटिस्ट ने पूरे इंटरनेट पे जितना भी डेटा है उसका वजन कैलकुलेट किया था तो वो लगभग 50 ग्राम था। और ये 2011 की बात है दोस्तों, अब तो और भी बढ़ गया होगा। चलिए, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा। लाइक नहीं किया तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही में हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे लगी आज की ये इन्फॉर्मेशन। तो चलिए, हम मिलेंगे आपको कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस है वो भी देखना आप पसंद करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखो। बाय बाय।